हेलो दोस्तों, मैं हूं निशा। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो सुबह से खाना आना तो बन गया था, मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। बच्चों का नाश्ता बनाया, फिर खाना आना बनाया, फिर साफ़ सफाई करके बर्तन वर्तन साफ करके फिर उसके बाद नहाने गई। अब आई हूँ, अब खाना देना है, फिर उनको कहीं जाना था तो खाना दूँगी। यार कपड़े बहुत सारे फोल्ड करने थे तो ये फोल्ड कर दिए हैं। अकेले मैंने नहीं किया है, उन्होंने मदद करी थी तब। ये दो तीन दिन हो गए थे तो वो उठा के लाते हैं छत से, तो ऐसे चेयर में रख देते हैं, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं फोल्ड करूँ। तो कपड़े हो गए हैं फोल्ड, अब मैं देती हूँ उन्हें खाना। तो हम खा लेते हैं खाना। तो मैंने बनाई थी आज करेले की सब्ज़ी, पर मुझे करेले की सब्ज़ी पसंद नहीं है, तो मैंने अपने लिए अलग से आलू डाला था और आलू के साथ नमक। तो उसके बाद कपड़े मैंने धोए नहीं थे, तो अब धो लेती हूँ मैं कपड़े, क्योंकि खाना देना था तो कपड़े मैंने ऐसे ही रख दिए थे। तो दक्षू की ड्रेस थी और जो नहाए थे वो कपड़े रखे थे, तो अब कपड़े धो ही देते हैं, फिर बाद में मन करता नहीं है धोने का। तो और लोग भैया भूड़ा गए हुए हैं रामू के, वहाँ पर थोड़ा काम था, और दीदी घर पे ही हैं, अभी नहा के गई हैं। और तो कपड़े धुलने थे इधर ही, तो आगे वाले नल में हम धोते नहीं हैं क्योंकि वहाँ पानी जाने के लिए कहीं जगह नहीं है। तो हम जो नहाना होता है या कपड़े धुलने होते हैं तो सारा काम हम पीछे वाले नल में ही करते हैं, क्योंकि इधर मोटर भी है और वहाँ पर आगे वाले नल में मोटर है नहीं, वहाँ सिर्फ खाना जो बनता है तो उसी का काम वहाँ से करते हैं, और अदरवाइज़ कोई वहाँ पर काम नहीं करते। तो कपड़े हमारे धुल चुके हैं तो छत में डाल देते हैं सूखने के लिए, और हवा इतनी चलती है कि कपड़े डालो इधर मिलते छत के नीचे हैं। तो कपड़े अभी तो फ़िलहाल हवा नहीं चल रही है, अभी तो मौसम मतलब ठीक ठाक है, बस धूप है, हवा नहीं चल रही है, तो हमारे कपड़े भी टाइम से सूख जाएंगे। तो और पारू आई थी लखनऊ से, तो उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, उसका थोड़ा बुखार आ गया था, सर्दी जुखाम, तो उसे ले जा रहे हैं हम डॉक्टर के पास। हम क्या ले जा रहे हैं, वो खुद मुझे ले जा रही है कि साथ साथ चलो, तो मैं भी जा रही थी उसके साथ। तो हमारे गांव के भूपेंद्र भैया हैं, वो बहुत अच्छा क्लिनिक है, हम वहाँ पहुँच चुके हैं, तो वहाँ से लेते हैं उसके लिए दवा। तो उसका बुखार आया हुआ है तो उसने ले लिया दवाई, दवाई लेके खुश तो बहुत नज़र आ रही है, पता नहीं क्या भैया, लगता है डॉक्टर के पास आते ही ठीक हो गई। तो दवाई ले चुके हैं हम, तो चलते हैं घर। तो भैया हमारा ड्राइवर भी वही है, बीमार आत्मा भी वही है, तो वही वाहन चला के लाई थी तो ले जाएगी भी। तो चलते हैं घर, और ठीक नहीं होगी तो उसे दोबारा दिखाने को लाएंगे। थोड़ा बुखार था, सर्दी जुखाम था, और दक्षू के लिए भी लेके आए थे हम दवाई, क्योंकि बुखार आया था, तो मैंने कहा रख लेती हूँ दवाई लाके। घर आके देखा तो भैया तरबूज वाला आया था, तो दक्षू से बुला के ले आई थी। दक्षू को तरबूज इतने पसंद है कि कुछ पूछो ही मत, रास्ते से जाती है तो भैया ताई जी मुझे तरबूज खिलाओ, ताई जी मुझे तरबूज खिलाओ। तो ताई जी ने उसके बोला कि मतलब बुला ला, तो तरबूज अभी इतने खास मीठे नहीं लग रहे हैं क्योंकि पता नहीं शायद नए नए हैं, इतने पके नहीं हैं, पता नहीं क्या। तो भैया लेकिन जो अंकल जी बेचने आए थे वो तो इतनी तारीफ़ें कर रहे थे, ऐसा लग रहा था मतलब सबसे अच्छा तरबूज यही होगा, तो इतनी तारीफ़ है कि कुछ पूछो मत। तो ये लोग तो भैया ख़रीदे नहीं आए, ये टेस्ट करने में ही आधा तरबूज तो लोगों ने टेस्ट करने में ही खा लिया होगा, तो तीनों लोग कर रहे हैं टेस्ट। दक्षू ने तो टेस्ट करते करते भर लिया पेट, अब चाहे लो ही मत। तो उसके बाद था मुझे गेहूं बनाना, क्योंकि हमारा आटा हो गया है ख़त्म, तो हमने गेहूं धुल के डाल रखा था। तो धनिया तो तीन दिन हो गए पर हमने धनिया नहीं निकाल पाए हैं, तो आटा ख़त्म था रोटी बनाने के लिए। दक्षू के लिए पराठा भी बनाना होता है तो आटा थोड़ा सा बचा था, तो दो दिन लगे थे उसे सूखने में, तो अभी बना लेते हैं गेहूं भी, तो भैया डाल के आ जाएंगे चक्की में, तो कल तक हमारा आटा भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी बहुत धुलने के बाद भी बहुत कचड़ा रह जाता है, तो वो भी साफ़ ही कर ही देते हैं। तो फिर साफ़ करने के बाद कुछ और काम देखेंगे। तो ये भी हमने साफ़ कर लिया, थोड़ा सा था, ज़्यादा नहीं था, और कल और दूसरा धुलेंगे। तो प्याज हो गए थे ख़त्म, तो मैं आ गई बाग में, तो बच्चे देख रहे हैं खेलने वाला जुगाड़ वाला पता नहीं क्या बजाने वाला बना रखा था। तो मैं दो दिन के लिए ही प्याज लेके जाती हूँ, ज़्यादा प्याज नहीं लेके जाती हूँ क्योंकि प्याज अभी पके नहीं हैं, तो टेस्ट में अभी थोड़ा
अजीब से लगते हैं, तो खाली हम सब्जी बनाने के लिए ही लेके जाते हैं, तो जब इतने ही लेके जाते हैं, ज़्यादा नहीं लेके जाते हैं, जितना खाते हैं उतना ले जाते हैं बस 2 दिन के लिए। तो अभी दच्छू की शक्ल देख के तो आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि दच्छू को कितनी खुशी है होमवर्क करने की, अंदर अंदर इतनी खुश नजर आ रही है, कुछ पूछो मत, इसकी यही हाल है। वन लाइन बची है बस। हाँ, 3 के बाद 3 तो आएगा, 33। हाँ लिख दे, तो वन लाइन है बस। हाँ बस वन लाइन बच गया, खेलने चले जाएगी। ठीक है, तो हो चुकी है शाम, आई थी छत में कपड़े लेने के लिए, पर यार पहले से कपड़े उठा ले गए हैं दक्षू के पापा, पर मुझे पता ही नहीं था, तो मैं अभी खाना छोड़ के, खाना मेरा बन गया है तो खाना छोड़ के मैं आई हूँ कपड़े लेने, पर कपड़े नहीं हैं। कर लेते हैं बिस्तर साफ, दक्षू के बैग कॉपी किताब सब ऐसे ही दक्षू ने फैला रखा था होमवर्क किया था, तो ये कर लेते हैं साफ, क्योंकि ये दक्षू का काम ही यही है। मैंने कहा थोड़ा पढ़ाई कर ले, क्योंकि पढ़ाई के नाम से तो इसे रोना आता है, क्या बताऊँ, कतई मन नहीं करता इसे पढ़ने का, बड़ा कुछ लालच दो कि ये खिलाएंगे वो खिलाएंगे नानी घर के ले जाएंगे वहाँ, तब जाके ये पढ़ाई करती है। इसे पढ़ाना बड़ा मुश्किल है, पता नहीं कैसे पढ़ेगी, क्या होगा कोई पता नहीं इसका। पढ़ने के नाम से पहले ये आंसू टपकाती है अपने, रोती है, तब जाके पढ़ती है, स्कूल जाने के नाम से, पढ़ने के नाम से, तो इसे कतई क्या बताऊँ, पता नहीं क्या है। तो अभी तो बहुत मुश्किल से ये पढ़ रही है। तो यार हो गया है लेटने का टाइम, दच्छू गई है सो, तो हम भी लाइट बंद करते हैं और हम भी चलते हैं कमरे में, थोड़ा रेस्ट करेंगे। और फिलहाल काम तो सब ख़त्म हो गया है, सब दीदी भैया। तो यार खाना पीना हो गया है, खाना पीना हो गया है, तो अब आज का ब्लॉग बस यहीं तक। आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रखेंगे, तो मैं कुछ कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए राधे राधे, नमस्ते और गुड नाइट।